दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। तो चलिए नज़र डालते हैं टॉप फाइव बजट स्मार्टफोन के अंदर जो है 15,000 की रेंज के अंदर हमें मिल पाते हैं। तो इनके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जो फ़ोन आता है भैया, वो आता है जिसके अंदर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हमें मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट इसके अंदर मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, सुपर AMOLED डिस्प्ले भी मिल जाती है और इसकी प्राइस जो है वो 15,000 रुपये। इसके अंदर प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है एक्सनोस 7909 का प्रोसेसर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके प्रोसेसर थोड़ा सा जो है वो कम रह गया, बट वैसे बाकी फ़ोन अच्छा था। ये है सैमसंग का गैलेक्सी M30 मोबाइल फ़ोन जो है, ये इतना सब कुछ होने के बाद भी फिफ्थ पोजिशन पर है, लास्ट के अंदर ये जगह अपनी बना पाया। यदि बात करें हम फोर्थ पोजीशन की, तो फोर्थ पोजीशन के अंदर हमें मिल पाता है रेडमी नोट 7, इसके अंदर हमारी फोर्थ पोजीशन पर रहता है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर वही 6.3 इंच की हमें फुल HD+ डिस्प्ले इसके अंदर हमें मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर इसके अंदर मिल जाता है, 4 GB रैम, 64 GB की मेमोरी इसके अंदर हमें मिल जाती है, 12 और 2 MP का रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर मिल जाता है, 13 MP का हमें इसके अंदर जो है फ्रंट कैमरा सेटअप इसके अंदर मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी है। इसकी प्राइस जो है वो 12,000 रुपये, ये आता है फोर्थ पोजीशन पे। तो भैया सोचिए जो टॉप के 3 मोबाइल हैं वो कौन से होंगे यदि फोर्थ पोजीशन के ऊपर ये स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाते हैं। बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास आता है बहुत ही भयंकर फ़ोन जो कि इस सेगमेंट का इकलौता फ़ोन है जिसके अंदर हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिल पाता है भैया, आसूस ZenFone Max Pro M2। इसके अंदर जो है हमें मिल पाती है 6 GB की रैम इसके अंदर मिल पाती है, 64 GB स्टोरेज के साथ। और इसके अंदर यदि बात करें तो हमें 6.26 इंच का जो है फुल HD+ डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 660 का जो है प्रोसेसर मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 12 और 5 MP का रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, 13 MP का फ्रंट कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें मिल जाता है। यदि बात करें हम सेकेंड की, तो भैया सेकेंड की तो बात कर लेंगे, दो ही मोबाइल बचे हैं अभी तक। आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे को पता है आपको पसंद आ रहा है वीडियो। आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो जो पास ही में जो नीचे रेड बटन दिया है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगले फ़ोन की बात करते हैं, टॉप टू मोबाइल फ़ोन जो है अभी बचे हैं, तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास आ पाता है ओनर प्ले जो लॉन्च हुआ था, तभी इसकी कीमत थी तकरीबन 20,000 रुपये, अब जो है ये 15,000 रुपये के आसपास की रेंज के अंदर हमें मिल पाता है। इसके अंदर हमें मिल जाती है 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाती है, 16 MP और 2 MP का जो है रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें मिल जाता है, AI कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें मिल पाता है, 16 MP का इसके अंदर जो है हमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है, 3750 mAh की बैटरी मिल जाती है। यदि प्रोसेसर की बात करें तो कीरिन 917 का जो चिपसेट वाला प्रोसेसर है वो हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो भैया ये भी एक बहुत ही तगड़ा फ़ोन है। और यदि बात करें नंबर वन पोजीशन की, जो फर्स्ट पोजीशन पे हमें फ़ोन मिल पाता है वो है भैया रेडमी का नोट 7 प्रो। इसके अंदर हमें मिल जाती है 6.3 फुल HD+ डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाती है, 48 MP का डुअल कैमरा सेटअप इसके अंदर मिल जाता है, 30 MP का जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं कुछ और फ़ोन की, तो ये तो हो गए टॉप फाइव फ़ोन जो है हमें लगा, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कुछ और मोबाइल फ़ोन की, जो भैया बेस्ट लुकिंग फ़ोन जो है, बेस्ट लुक वाइज जो है हमें बेस्ट लुकिंग फ़ोन जो है इसके अंदर मिल जाते हैं, यानी ब्यूटी इन सेगमेंट की बात करें तो हमें मिल पाता है ओनर 8X, जिसके अंदर हमें रूबी रेड कलर मिल जाता है और ब्लू कलर मिल जाता है, दोनों ही कलर कमाल में है, अपना अपना एक कॉम्बिनेशन इनका इतना तगड़ा लगा मेरे को। और इसके अंदर हमें मिल जाता है, यदि प्रोसेसर की भी बात करें तो कीरिन 710 प्रोसेसर इसके अंदर हमें मिल जाता है, 64 GB वेरियंट इसके अंदर मिल जाता है, और बैक की यदि बात करें तो 20 MP 2 MP का कैमरा मिल जाता है, 3750 mAh की बैटरी मिल जाती है। कमी इसमें यह है बस पावर चार्जिंग जो है, जो स्पीड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है वो नहीं दिया गया। और यदि बात करें हम बेस्ट सेल्फी कैमरा की इस रेंज के अंदर, तो हमें मिल पाता है रियल मी U1,
जो है उसके अंदर हमें 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल पाता है। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली जो टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोज़ टेक न्यूज़ हम आपके लिए डालते हैं वो आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।